हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे सिप्लॉक्स डी ड्रॉप के बारे में। देखो, जो सिप्लॉक्स डी ड्रॉप है इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे जो मेन फायदा है कि इसको आप अपने आँख में भी डाल सकते हो और अपने कान में भी डाल सकते हो, तो ये बेनिफिशियल है ईयर और आई में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पूरे डिटेल में सिप्लॉक्स डी ड्रॉप के बारे में, इसके कौन कौन से फायदे हैं और इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, कितने रुपए का आएगा, क्या कंपोजिशन डाला गया है, पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप वीडियो को अच्छे से समझ सकें। अगर बात करें सिप्लॉक्स डी आई एंड ईयर ड्रॉप के बारे में, तो इसको सिप्ला नामक कंपनी द्वारा बनाया जाता है। ये जो है ड्रॉप है, ये आपको डी वाला जो है 24 रुपीस में आपको मिल जाएगा, 24 रुपये में आपको ये ड्रॉप आपको मिलेगा। और जो इसकी प्राइस होती है घटती बढ़ती रहती है, फिलहाल आपको 24 रुपीस में मिलता है, हो सकता है आगे थोड़ा बहुत बढ़ जाए। बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये आई और ईयर ड्रॉप, आपको आपके नज़दीकी मेडिकल पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आप इंडिया में कहीं से भी हों तो आपको ये आराम से मिल जाएगा आपके नज़दीकी मेडिकल पे। देखो, अगर बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें दो साल्ट डाले गए हैं। एक तो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो कि एंटीबायोटिक है, दूसरा है डेक्सामेथासोन जो कि एक स्टेरॉइड है। तो अब बात कर लेते हैं इसके फायदे के बारे में कि इसका यूज हम कौन कौन सी बीमारी में कर सकते हैं। तो सबसे जो मेन बीमारी है वो है इन्फेक्शन। बैक्टीरिया द्वारा अगर आपके आँख में कोई इन्फेक्शन हो गया है या कान में इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें आप इसका सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा आपके कान में या आँख में इन्फेक्शन के अलावा सूजन हो गया है, तो सूजन में भी यूज किया जाता है। तो अभी इंडिया में बहुत तेज़ी से आई फ्लू फैला हुआ है, जिसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस पिंक आई, वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। उसमें आप ये ड्रॉप डाल के देखें तो बहुत ही ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि आँखों में बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन हो जाने की वजह से आपकी आँख पूरा लाल रहती है, आँख में बहुत ज़्यादा जलन होता है और आँख जो है फूली भी रहती है, सूजन हो जाता है, तो उस समय पे भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। और कान में भी कोई इन्फेक्शन हुआ है, दर्द हो रहा है या वहाँ पे सूजन आ गया है, तो वहाँ पे भी इसका सेवन आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो मोस्टली साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है। हाँ, अगर आप इसका ओवरडोज ले लेंगे तो आपके आँखों में खुजलाहट, जलन, ये सब एक्स्ट्रा होने लगेगा, बाकी वैसा इसका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में, तो इसका जो डोज है 2 से 3 बूंद आपको दिन में 3 बार लेना है, सुबह या दोपहर शाम ऐसा करके, या बहुत ज़्यादा कंडीशन है तो आप इसको 4 बार भी कर सकते हैं, आई या ईयर में, दोनों जगह पे आप इस तरह से इसका सेवन कर सकते हैं। ये कान और आँख के लिए ही बनाया गया है, इसको अपने मुंह में बिल्कुल भी ना डालें, छोटे बच्चों से पहुँच से दूर रखें। बाकी ये सेफेस्ट दवा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप प्रेगनेंट लेडी हैं या ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी सिप्लॉक्स डी ईयर एंड आई ड्रॉप के बारे में। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो।